ये इस बार बीएमसी नहीं आई है, ये इस बार माड़ा वाले आए हैं, एमएमआरडीए वाले। एमएमआरडीए का ये वाकुला पार्ट ऑफ वाकुला नाला है जिसकी बाइंडिंग करने को बाकी है। इसमें से 26 लोगों को स्टे मिला हुआ था अपना कलेक्टर से, और ये लोग आए हैं उप कलेक्टर के पास से। तो हमने इनको यही बताया कि भाई हमारा कलेक्टर में स्टे है और जिनको आपने घर दे दिया है उनके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन जिनको अभी तक घर नहीं दिया है उनके लिए आपको कोई प्रावधान नहीं, उनको जब तक घर नहीं दिए तोड़े जाने का। तो आज किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह का इन्होंने आपसे बातचीत की? आज एमएमआरडीए ने हमको भरोसा दिलाया है कि जिनको आदेश मिला है जिला अधिकारी का, वो आदेशों को हम लोग शायद रखेंगे। बाकी के जिनको हमने घर दे दिए है, जिनको पात्रता निश्चित हो चुकी है, उनको हम लोग तोड़ेंगे, और उसको तोड़ने के बाद में उसको हम निकासित करके यहाँ से बाइंडिंग का काम शुरू करेंगे। मेरा सिर्फ यही है, शांति से जिनको घर मिल गया है वो अपने खुद के बलबूते से वो लोग खाली कर दे, और जिनको नहीं घर मिला है वो हमारे साथ में चले और हम सरकार से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। राजीव भाई, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि बीएमसी एक तरफ से हल्ला हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे कि बीएमसी क्यों पीछे पड़ी? ये बीएमसी का था ही नहीं, मैंने आज एमएमआरडी वालों से भी बात किया है, लेकिन एक राजनीतिक दबाव में वो लोग काम कर रहे थे, जबकि उनके पास कोई नोटिस वगैरह जाहिर आह्वान वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन एमएमआरडी ने नोटिस लगाया, लेकिन उनका नोटिस लगाने का समय 6:45 पे था, जबकि 5 बजे सारी संस्थाएं बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये सोचा कि शायद ये लोग कोर्ट तक भी ना जाए और ये डेमोलिशन हो जाए। तो हमारा ये कहना है कि बीएमसी का जब यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ये बीएमसी का काम है नाले को चौड़ा खाली करना, उसको साफ करना, बीएमसी का काम डेमोलिशन करना नहीं है। लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में आके बीएमसी ये काम कर रही थी, जिसका आज हमने और आपके माध्यम से हमने पहले भी विरोध किया है, और मैं आपके चैनलों की को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के विषय को आज आप लोगों ने मीडिया तक पहुँचाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास करके एमएमआरडीए के ऑफिसरों से भी मैंने जो संपर्क किया था उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है, क्योंकि बीएमसी का जो बर्ताव था वो बीएमसी का बर्ताव कुछ अलग ही था, और एमएमआरडीए जो कानून के दायरे में रह के काम कर रही है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।